अंत भला तो सब भला। आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरियां सिमट रही हैं। अखिलेश यादव सीटों के बंटवारे के गणित पर राजी हो गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने थोड़ी राहत महसूस की ही थी कि अब पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को चार दिन भी नहीं बीते कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर बागी स्वर उठने शुरू हो गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस गठबंधन के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर की है। बता दें कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन में फारुखाबाद सीट सपा के खाते में आई है। सपा इस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर चुकी है। ऐसे में सलमान खुर्शीद को फारुखाबाद सीट से हाथ धोना पड़ा। ये बात अपने आप में इस लिहाज से भी बड़ी है क्योंकि सलमान खुर्शीद कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के सदस्य हैं। बावजूद इसके उन्हें अपनी मनपसंद सीट नहीं मिल पाई। सोशल मीडिया पर नाखुशी जाहिर करते हुए सलमान खुर्शीद ने बातों ही बातों में कांग्रेस आला कमान पर तंज कस दिया। सलमान खुर्शीद ने लिखा, फारुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं, हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। गौरतलब है बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बुधवार को यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूले की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 17 सीटें मिली। राज्य की बाकी 63 सीटों पर सपा और गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बता दें कांग्रेस के हाथ आने वाली 17 सीटों में से रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोह, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया शामिल है। बता दें सीट शेयरिंग होते ही अखिलेश यादव के तेवर कांग्रेस के लिए नर्म पड़ गए हैं। खबर है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी तो अखिलेश भी उनके साथ कदम ताल करते नजर आएंगे। दोनों पार्टियों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव 25 फरवरी को यात्रा में शामिल होंगे। इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष ने अखिलेश को पत्र भी भेजा है। इस पत्र में अखिलेश यादव को निमंत्रण देते हुए कहा गया है कि 25 फरवरी को यात्रा अलीगढ़ और हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी। आपसे अनुरोध है कि 25 फरवरी को आप आगरा आएं और यात्रा के बाद सभा को संबोधित करें। बता दें इससे पहले अखिलेश यादव के अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का प्लान था, लेकिन तब सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया। अखिलेश यादव ने शर्त रखी कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि सीटों के बंटवारे के बाद अखिलेश यादव की नाराजगी भी छूमंतर हो गई।